हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं देखिए यहां पर डोजोन्स में अच्छी खासी गिरावट थी ओके और इसके पीछे की रीजन क्या है और कितना ये गिरता हुआ नजर आएगा उससे और इसकी वजह से हम देखें तो कल मार्केट हमारा ओपन होगा तो मार्केट में क्या हो सकता है उससे रिलेटेड यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई है तो इस वीडियो को जाके एक बार आप यहाँ पर देख लीजिएगा आपको यहाँ पर सब चीज यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी तो क्या हमें बेच के निकलना है नहीं निकलना है नीचे खरीदना है या क्या करना है वो यहाँ पर देख लीजिएगा तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर देखिए मार्केट में यहाँ पर गिरावट थी तो ऑब्वियस सी बात है हमारा स्टॉक हमारा जो मार्केट है ना कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होने के चांसेस काफी सारे हैं तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस वीडियो को जब देख लोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस अपॉर्चुनिटी का आपको क्या उठाना है फायदा और उस अपॉर्चुनिटी में दो स्टॉक्स पर भागते हुए नजर आएंगे ओके तो उसे यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं जिस स्टॉक्स का नाम ले रहा उसका नाम है एमटा टेक्नोलॉजी एमटा टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर यहाँ पर नजर आता है और जिसका व्यू लंबा है उस केसेस में यह शेयर एक बेहतरीन हाँ, मील का पत्थर इसे कहते हैं ना ओके okay, uh, तो वो यहाँ पर एक साबित होता हुआ नजर आ सकता है कंपनी की बात करें तो कंपनी पर पर अलग अलग सेगमेंट में 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 डाइवर्सिफाइड बिजनेस बिजनेस काम करता हुआ नजर आता है इंजीनियरिंग के बिजनेस में काम करता हुआ नजर आता है तो यहाँ पर बात करें डिफेंस का भी एक पार्ट है एज वेल एज यहाँ पर देखेंगे तो असेंबलिंग ये करता हुआ नजर आता है मशीनों की मशीन इक्विपमेंट असेंबलिंग सब असेंबलिंग स्पेयर पार्ट्स ऑफ फॉर एनर्जी न्यूक्लियर स्पेस Defense, so सारी आ, के लिए, जो होती और मैं हमेशा बताता हूँ जब पैसा बनने की बात होती है तो स्मॉल कैप में ही ज्यादा अवसर मिलते हैं तो ऐसी कंपनी यहाँ पर अच्छी रिटर्न देकर जाती है तो पांच हजार करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है पी थोड़ा सा महंगा नजर आता है क्यों क्योंकि यहाँ पर इतना पैसा देने के लिए पब्लिक तैयार है तो इसलिए सेवेंटी टू एक्स के यहाँ पर दिखाई देता है आर 16 और ट्वेल्व के आसपास शेयर अभी आया एक बेहतरीन रिटर्न देने के बाद गिरावट हुई है और अच्छा खासा आगे के टाइम पे चलेगा दो परसेंट यहाँ पर प्लेजिंग भी है अठारह परसेंट के आसपास का डेट भी है शेयर में ओके टेन टेन परसेंट टेन का इसका फेस वैल्यू है कंपनी की बात करें कंपनी पच्चीस सौ से यहाँ पर करेक्ट होकर सोलह सौ पे आया और हमने इस शेयर की अगर बात करें काफी नीचे से जब ये चलना शुरू हुआ था और तभी यहाँ पर आ, आपको दिलाना शुरू कर दिया था मैक्सिम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं एक अच्छी खासे यहाँ पर डबल पैसे की है उसके बाद एक गिरावट हुई हर लगभग फिफ्टी परसेंट गिरा और यहाँ पर जब ये चलना शुरू हुआ था ना तब यहाँ पर हमने खरीदा था और अच्छे खासे रिटर्न पे अभी भी बैठे हुए हैं क्वार्टरली uh, रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के रिजल्ट्स लगातार यहाँ पर अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बार के थोड़े से मार्जिन पे इफेक्ट पड़ा है ईयरली बेसिस पे बट सॉरी ईयरली बेसिस पे मार्जिन ठीक है पर क्वार्टरली बेसिस पे फ्लैट आता हुआ दिखाई दिया है और प्रॉफिट वगैरह सब चीज़ ठीक है एक्सपेंसिस थोड़े से यहाँ पर कंपनी के हुए हैं ओके okay, और वो धीरे धीरे चल के uh, अच्छा खासा हो जाएगा। basis पर पर देखना चाहिए जो हमें दिखाई देता है कि किस तरीके से कंपनी ने किया basis पे और लगातार अब अच्छा और ज्यादा करती हुई नजर आ रही है जो कंपनी में में थोड़ी सी बोरइंग भी है वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे भी है इन्वेस्टमेंट कैश एवरीथिंग दिस कंपनी है थोड़े से शेयर यहाँ पर बेचे थे यहाँ पर एफ वो हिस्सेदारी बेची थी कुछ और उसकी बात करें तो इसके अगेंस्ट में डी आई एस ने वो शेयर खरीदे और यहाँ पर पब्लिक के पास लगभग बाईस परसेंट की तेईस परसेंट की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है बट एक अपॉर्चुनिटी थी जिसे ग्रैप करनी थी वो ग्रैप कर चुका है एक बहुत बड़ा नाम इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का महावीर अग्रवाल सर उन्होंने की 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 है है और IFL Security एक तरीके से, DIC से इसने भी फिलहाल पर खरीदते हुए नजर आए। तो लग लग नजर आए हैं तो 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 लगभग लगभग कुछ परसेंट ही आती अगर हम बात करते टेक्नोलॉजी तो में एक बेहतरीन पैसा आपका बनता हुआ है, यहाँ पर साफ नजर आता है ओके, ओके okay, तो शायद थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट हो सकती है सबसे पहले तो यही सपोर्ट नजर आता है पंद्रह सो सत्तर के आसपास का और फिर उसके बाद दो सपोर्ट नजर आते हैं पंद्रह सात और सबसे बेहतरीन सपोर्ट चौदह चौहत्तर अगर ये लेवल ये दो लेवल के आसपास अगर शेयर मिलता है ना तो बाइंग करने की सोचिएगा क्यों क्योंकि इसके बाद शेयर एक अच्छी खासी जम्प यहाँ पर लगा सकता है और शेयर जिस दिन इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर निकला 1652 मतलब 1652 के आसपास का जो हाई है एग्जैक्ट बता देता हूं 1645 ओके हां 1645 का जो हाई है इससे जैसी बाहर निकला तो एक तेजी होगी जो इसे यहाँ पर सबसे पहले तो 1800 के लेवल पे ले जाएगी और 1800 के लेवल क्रॉस होने के बाद सीधे यहाँ पर 2100 और 2200 के लेवल पे लेके जाएगी और यहाँ पर ना जो चार्ट बन रहा है यहां पर राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है और अच्छे खासे पैसे आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे और अगर हम ऑल टाइम हाई तक जो इसका हाई था वहां पर भी पहुंचते हैं तो लगभग लगभग फिफ्टी नाइन परसेंट की यहाँ पर अपसाइड नजर आती है जो कि मुझे लगता है कि एक साल के अंदर अंदर यहाँ पर आ जाने चाहिए तो एमटा टेक्नोलॉजी एक शेयर इसकी तरफ ध्यान दीजिए दूसरे शेयर की बात करूँ दूसरा शेयर एक और बेहतरीन शेयर यहाँ पर नजर आता है इससे पहले भी यहाँ पर ये शेयर से रिलेटेड हमने काफी बार बातें करी है इस शेयर की अगर हम बात करें तो ऑटो एनसिलरीज में यहाँ पर नजर आता है ऑटो एनसिलरी भागती हुई नजर आई थी ये शेयर भी भागता हुआ नजर आया था कंपनी देखेंगे काफी प्रॉमिसिंग, काफी फंडामेंटली स्ट्रॉ और लॉन्ग टर्म के से काफी बेहतरीन नजर आती है तो इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान देना है कंपनी एंड एंड सब असेंबलिंग ऑन अ सप्लाई जॉब वर्क बेसिस अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट स्पेसिफिकेशन इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मतलब ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में जो भी यहाँ पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से यहाँ पर असेंबलिंग कंपोनेंट एंड सब असेंबलिंग ये करते हुए नजर आते हैं कम कोयम्बर में इनका यहाँ head, हेडक्वार्टर है और बारह प्लांट्स है इंक्लूडिंग टेन सेटेलाइट अक्रॉस से इंडिया यहाँ पर नजर आती है कंपनी बेहतरीन है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं जब से शेयर आया है केवल मचा रहा है और कुछ नहीं है और काफी बार हमने शेयर को रिकमेंड भी किया है यहां पर देख सकते हैं अट्ठाईसो का लगा के शेयर पर गिरता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर चार्ट पे जब जाएंगे हम और बातें करेंगे लगभग सत्तर परसेंट के आसपास का यहाँ पर डाटा कोई प्लेजिंग नहीं है इंडस्ट्री का बीस का इसका ट्वेंटी एट का है और सत्रह और पंद्रह के आसपास का यहाँ पर आर ओ सी आर ओ है इसके अलावा पांच की फेस वैल्यू इंटेंसिव वैल्यू सत्रह सो बासठ है पच्चीस सौ छब्बीस सौ सत्ताईस सौ के आसपास का प्राइस है उनतीस सौ का इसमें हाँ स्मॉल कैप कंपनी में कैलिबर दिखता है तो इसी कंपनी में यहाँ पर कैलिबर नजर आता है ईयरली बेसिस का परफॉर्मेंस देखेंगे हाईएस्ट लेवल सेल्स हुई है ओके okay, इसके अगेंस्ट में यहाँ पर देखेंगे कंपनी के एक्सपेंसेस देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट घटा है उसका रीजन समझ सकते हैं क्योंकि एनुअली बोनस एनुअली इंक्रीमेंट ओके प्रमोशन वो सब इंक्लूड होते हैं इसलिए यहाँ पर बढ़ा है अदरवाइज ये कब ओके okay, सीधे यहाँ पर uh, और भी अच्छा यहाँ पर मार्जिन आ सकता था तो ट्वेंटी का मार्जिन है जो की ईयरली बेसिस पे कम है बट क्वार्टरली बेस पे फ्लैट नजर आता है और उसका रीजन हमें पता है के देखेंगे, तो हाइस्टर नेट प्रॉफिट आता है ईयरली बेसिस परफॉर्मेंस देखिए 12 महीने में लगभग दो सौ करोड़ के आसपास पहुंच गया ईपीएस देखिए 91 करोड़ रूपीज का है सब चीज बढ़ती हुई नजर आ रही है तो ऑब्वियसली बात है शेयर भी यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा कंपनी की बात करें बैलेंस शीट रिजर्व देखिए लगभग ग्यारह सौ बारह करोड़ के आसपास के रिजर्व है कंपनी के पास ओके okay, बोरइंग की बात करें आठ सौ करोड़ रुपए के आसपास की बोरइंग भी है कंपनी वर्किंग प्रोग्रेस में कैश इन्वेस्टमेंट सब चीज यहाँ पर अच्छा है प्रोमोटर्स होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है फिफ्टी नाइन पॉइंट फोर एट परसेंट की होल्डिंग है एफ की बात करें उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है डी की बात करें उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास से हिस्सेदारी कम हो रही है और जब पब्लिक के पास से हिस्सेदारी कम होती है 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 ना 24 24 से 21 पे आ गया है, तो एक पॉजिटिव सिग्नल होता उसमें 24 में अगर बात करें हिस्सेदारी इनके पास है तो लगभग दस ग्यारह की हिस्सेदारी ही नजर आती है पब्लिक के पास उसमें भी बड़े बड़े लोग शामिल होंगे तो एम पहला था अब बात करते हैं क्राफ्टमैन के यहाँ पर चार्ट पैटर्न की क्राफ्ट्समैन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हाई लगाने के बाद एक गिरावट होती हुई नजर आई ओके और यहाँ पर मैंने कुछ बताया था आपको यहाँ पर आपने अगर ये वीडियो ऑलरेडी देख ली होगी ओके तो इस वीडियो को देख लीजिएगा तो और आइडिया लग जाएगा

इन वॉल्यूम आते हुए नजर आ रहे हैं और जो एक गिरावट है जो कल गिरावट होती हुई अगर हम इन मार्केट में नजर आएगी तो एक सपोर्ट नजर आएगा 2500 के आसपास का और चौबीस सौ लगभग पच्चीस के आसपास का समझिए अगर ये गिरावट होती है और शेयर यहाँ मिल जाता है या फिर इसके नीचे मिल जाता है एक अपॉर्चुनिटी रहेगी इसे यहाँ पर खरीदिएगा ओके okay, और खरीदने के बाद थोड़ा सा वेट करिएगा अगर रिजल्ट से पहले तो सबसे पहले आपको उनतीस परसेंट उनतीस सौ रुपए तक ये शेयर जाता हुआ नजर आता है जिसके पूरे टारगेट की बात करूं तो लगभग दस ग्यारह परसेंट की है बट चीजें यहां से नहीं ये हायर हाइज बना रहा है यहाँ पर देखिए हायर हाइज कहते हैं ऐसे एक हाई ये बनाया इसने यहाँ पर बॉटम बनाने का है, एक हाई ये हुआ ओके फिर इसके बाद अब यहाँ पर आसपास बनाएगा ओके यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आके रुकेगा ओके और फिर यहाँ से भाग थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाएगा और एक साथ अच्छे रिटर्न मिलेंगे तो 11 परसेंट ये प्लस कुछ और ऐड कर लो तो 15-20 परसेंट के रिटर्न यहां बनते हैं बट लॉन्ग टर्म के पर्पस से काफी बेहतरीन शेयर है बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना है चैनल सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को एड करना है क्योंकि काफी सारे लोगों ने बेललाइक को एट नहीं कर रखा काफी सारे लोग वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरी वीडियोस को देखिए चीजें समझ में आएगी सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस